वैलेंटाइंस वीक के बाद 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। ऐसे में इंडिया में देखा गया है कि वैलेंटाइंस डे के कंसेप्ट को लेकर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, काफ़ी सारे इसको लेकर स्टीरियोटाइप्स होते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कि वो वैलेंटाइन कंसेप्ट से अग्री करते हैं या नहीं। एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे एक जोड़ी एक अपने साथी जो होता है उसके साथ अपने कुछ टाइम कुछ पल प्यार का इजहार कर सकते हैं, प्यार का जो भी कुछ है। ये चीज़ सेलिब्रेट करके किसी को खुशी मिल रही है और कोई खुश है तो ऑब्वियसली इट्स नाइस। हर किसी की एक अपनी चॉइस होती है, जैसे कि मेरे को बहुत पसंद है वैलेंटाइन, ठीक है। किसी और की मेंटेलिटी है कि वो उसको पसंद ना करे, अब मैं वहाँ पे जाके किसी को फोर्स थोड़ी ना करूँगा। और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा, पर इसे हम गलत नहीं कह सकते। गर्लफ्रेंड है तो कोई बात नहीं, हाँ सब सही है, क्या गलत है। तो पूरे विश्व में हो रहा है तो हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं तो धीरे धीरे होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यार करते हो तो उसके लिए बोल रहे हो तो क्या गलत है उसके अंदर। मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता है कि इसमें अगर आप कोई नाम चेंज कर रहे हो तो। नाम चेंज करने को जरूरत कोई पॉइंट नहीं है इस पे। जिनको वैलेंटाइन मनाना है वो वैलेंटाइन मनाएंगे, जिनको अपने मम्मी पापा प्रायोरिटी है वो मनाएंगे, कुछ लोग दोनों मनाएंगे, पर वही है ना कि अपनी सोच पे डिपेंड करता है। तो माता पिता की अगर पूजन करनी है सर, रोज इतने सारे दिन है, और वैसे भी कोई ये सब ड्रामे से कोई माता पिता की पूजा नहीं होती, वो तो लोगों के दिमाग पे है ना। कुछ लोग 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस बना भी दोगे वो तब भी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और जो करने वाले हैं वो रोज करेंगे। तो एक डे को एक नाम देने से कुछ नहीं बदलता, सोच ही बदलनी चाहिए। दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं। वैलेंटाइन डे जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं वो माता पिता एक अलग चीज़ होता है, हम शुरू से जुड़े होते हैं, और एक हम जिससे प्यार करते हैं अलग कंफर्ट, उनका अपना पर्सनल होता है। वैलेंटाइन डे इज़ लाइक सेलिब्रेटिंग लव, ओके। और वो प्यार तो मम्मी पापा से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। कोई वैलेंटाइन डे के साथ ये लिखा हुआ नहीं आता कि प्यार सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही होगा, दैट्स लव, वो किसी का भी हो सकता है। तो उसको नाम दे दो, अलग दे दो, तो कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैलेंटाइंस डे की भारतीय संस्कृति में प्रहार है, हमें हर तरीके के कल्चर को जानना चाहिए, चाहे फिर वेस्टर्न हो या फिर यूरोप से हो या फिर कहीं से भी हो। कोई मेट्रो में या कोई खाली बस के अंदर 5 लड़के होते हैं, एक लड़की होती है, वहाँ पर 7 लड़के और भी होते हैं या औरतें भी होती हैं, वहाँ पर रेप हो रहा होता है, उस टाइम कुछ नहीं करते, वीडियो बनाते हैं। करंट में करो ना, बाद में होने के बाद क्या है, बाद में या तो लड़की मर जाती है या उसकी इतनी इज्जत खराब हो जाती है कि वो बाहर भी नहीं आ सकती, और अगर वो भूलना भी चाहे उस चीज़ को तो बार बार उसको रिमाइंड कराते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, तो भारतीय संस्कृति कहाँ जाती है सर? वैलेंटाइन डे एक प्यार की एक दिन है, तो फिर वो गलत कैसे हुआ? भारतीय संस्कृति खुद कृष्ण और राधा के प्रेम का है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत है। लोकमत के हार्ड हिटिंग सवालों का इन DU के युवाओं ने बेबाकी से जवाब दिया। एक बात तो साफ है कि आने वाली 14 फरवरी को ये युवा वैलेंटाइंस डे पर हुड़दंग मचाने वालों को प्यार और लॉजिक से जवाब देना बिल्कुल जानते हैं। अपने सहयोगी कोमल बड़ोदेकर के साथ योगेश सोमकुंवर, लोकमत न्यूज़.in।